और कितना कितना गिरेंगे आप देवर जी? इतनी भी अति मत कीजिए कि इंसानों को नहीं सीधे भगवान को आपका न्याय करना पड़े। आप चलिए पीछे वहां जाके बैठिए, चलिए उनको लेके जाइए और समझाइए अपनी बहन को। चलिए बस कीजिए देवर जी, बस। बहुत हुकुम चला लिए आपने और बहुत चुप रह लिए हम भी। लेकिन आपने हमें तो बहुत पहले उर्मी के लिए खड़े हो जाना चाहिए था, उसका साथ देना चाहिए था। आप इनकी भाभी हैं, अदालत को अपना परिचय दीजिए। जी जज साहब, हम इनके बड़े भाई की पत्नी हैं और ये हमारी बहन है राधा। कंचन भाभी, आप निकलिए यहां से। चलिए, कहीं नहीं जाएंगे हम देवर जी। आज हम आपका सच बोलकर ही रहेंगे। उर्मी की जिंदगी तो आपने बर्बाद कर ही दी है और कितनों को तबाह करेंगे आप। अरे बाजार की लड़कियां क्या कम पड़ गई थी जो आपने हमारी बहन को निशाना बनाया। आपको शर्म नहीं आई इसका नाजायज फायदा उठाते हुए? एक बार भी नहीं सोचा देवर जी कि जे भोली भाली राधा हमारी बहन है? अरे ये बेचारी तो यकीन ही नहीं कर रही थी कि आप इसके साथ धोखा कर सकते हो। इसलिए मजबूरन आपकी असलियत दिखाने के लाने हमें यहां लाना पड़ा। हम जानते थे कि आपकी असलियत इसके सामने आने पर इसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये होना भी बहुत जरूरी था, वरना जे मोड़ी भ्रम में जीती रहती। पास कर रही है आप।